नाथवासं प्राप्तो जस्य प्रथिति कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विजे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमो पुल्लेन्दी वरकान्तमिन्दुवदनं वराहावतंसं प्रियं श्रीवत्सङ्कमुदार कौस्तुभदनं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चितं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यङ्गं वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयो नयन गोपवृन्दै वृन्दारमण प्राविशत गीतवे आज ब्रजेन्द्र नंदन श्याम सुंदर का आविर्भाव दिन है। यद्यपि मथुरा में आंशिक रूप में प्रकट हुए कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के माध्यम से, किंतु यशोदा जी के गर्भ से आज ही के दिन ठीक रात में कृष्णचंद्र जी ने यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया बच्चे के समान। मथुरा में जन्म के समान नहीं, यहाँ पर नाड़ी छेदन इत्यादि कार्य नहीं हुए, वहाँ गोकुल में उनका नाड़ी छेद इत्यादि सभी कुछ हुआ। इसलिए सर्वत्र शास्त्रों में ऐसा ही देखा जाता है, आंशिक रूप में उनका ऐश्वर्य जो नारायण के रूप में वासुदेव कृष्ण है उस रूप में यहाँ पर आविर्भाव हुआ और उनकी जन्म लीला गोकुल में ये हुई। इस तरह से तो कहा जाता है जे कृष्ण के आविर्भाव का कारण जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजानम परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का दमन कर संहार कर शिष्टों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, किंतु हम देखते हैं धर्म की स्थापना की कैसे जन्म हुआ और उसी समय में उतना का वध किया। इसके बाद में पूतना तृणावर्त शकटासुर इत्यादि का वध किया। तत्पश्चात फिर जब आए ब्रज में वृंदावन वहां, तो वहां पर उनका वध किया। किनका? अघासुर, बकासुर, धैनुकासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, शंखचूर, सब जितने भी राक्षसों का वध किया। और इसके बाद मथुरा में आकर के कंस और उसके चारुण, मुष्टिक, हल, तोसल, कूट, कुबल्यापीड़ इत्यादि सब असुरों का ध्वंस किया। इसके बाद में फिर यहां से गए द्वारका, वहां पर बाकी जो अवशिष्ट असुर थे वहीं से जरासंध इत्यादि का वध कराया। कालजमन का, प्रौंडक वासुदेव का और नरकासुर और सबका यहां पर वध करा। बाकी कुछ रह गए, महाभारत का युद्ध लगा दिया, इच्छा करने से उसको शांत कर सकते थे, जो कि जिसके लिए वो दूत बन रहे हैं और दूत में भी वो सफल नहीं हुआ। किस लिए? इसलिए कि उनको कराना है। भीष्म पितामह जी भक्त उनको और द्रोणाचार्य को भी खड़ा कर दिया जो तुम प्रेरणा करके जो लड़ो तुम लोग, नहीं तो ये लड़ेंगे नहीं। इसलिए अपने विपक्ष में खड़ा कर दिया। और कंस दुर्योधन डर भी सकता था, किंतु उन्होंने कहा जे तुम हमारी सारी सेना और हमारे बड़े बड़े सेनापतियों को लेना चाहता है
या मैं निरस्त्र रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, हमको लेगा। तो दुर्योधन ने क्या कहा, यदि आप युद्ध ही नहीं करेंगे और कोई काम भी नहीं करेंगे तो अच्छा है कि अपनी सारी सेना और सारे सेनापतियों को दे दें और अपने अस्त्र भंडार सब कुछ हमको दे दीजिए। कृष्ण कहा जी एवं अस्त। जब वो अर्जुन वो लेकर के चला गया तो अर्जुन कृष्ण के चरणों को पकड़ करके बड़े प्रेम से रोने लगे, प्रभु आज मैं आपने उसको चांस दिया पहले कहने का, तो उसने पहले यदि आपको मांग लिया होता तो मैं क्या करता। कृष्ण ने यही मन ही मन में कहा कि मैंने जोग माया से उसकी बुद्धि हर ली, जैसे वो मांग ही नहीं सकता। अर्जुन ने कहा कि हमको लड़ने की जरूरत नहीं आपकी, आप केवल हमारे मनोरथ पर और रथ पर बैठ करके हमें प्रेरणा देंगे, हम वैसा करेंगे। आपने तो जो कुछ करना है तो कर ही रखा है, हमको इसकी जरूरत नहीं, आप हमारे पास में रहिए, बस इसी की जरूरत। और कैसे उन्होंने हनुमान को भी इनकी सेवा में नियुक्त करा दिया, और कैसे कैसे रथ पर बैठ करके सभी कुछ कृष्ण ही करा रहे हैं। जितने दोनों कुल के असुर थे और व्यक्ति थे सबको खत्म। यदि धृष्टद्युम्न भी बच गया उसको भी मरवाया, और सब जितने लोग थे सबको मरवाया, अभी कुछ बाकी रह गए द्वारका में पहुंचे। और उन्होंने क्या किया, प्रेरणा से अपने लीला का संवरण करना था, यदुवंशियों को परस्पर लड़ा करके कांटे से कांटे निकाल करके और छोड़ दिया। क्यों, उस समय में असुर लोग क्षत्रिय कुल में राजा कुल में पैदा होकर के और हमारे आत्म धर्म को, प्रीति धर्म को, प्रेम धर्म को विनष्ट कर रहे थे। आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, भजन में विश्वास नहीं रखते, कृष्ण में विश्वास नहीं था। यदि उनको ये विश्वास होता कि कृष्ण भगवान है तो लड़ते, दुर्योधन लड़ता, धृतराष्ट्र अनुमति देता, ये नहीं देते। उन्होंने माया से बुद्धि हर ली, इसके बाद में सबको खत्म करके व्यास देव जी से श्रीमद भागवत को प्रकाश कराया, और फिर क्या किया, सुखदेव गोस्वामी को भेजा, अब ठीक हो गया, असुर लोग सब मारे गए हैं, स्त्रियां जो बची भी हैं अब वो बड़ी सती साध्वी और भगवान की भक्त हैं, अब आप भागवत का संदेश दीजिए। उसके ऊपर में पहले तो गीता का उपदेश दिया, और गीता के बाद में ऐसी रचना की जिसे अब राशि इत्यादि भगवान की लीलाओं का ये श्रवण कर सके। तो अपने जन्म की लीला से लेकर के द्वारकापुर की सारी लीलाओं का सुखदेव गोस्वामी के द्वारा प्रवचन कराया, नहीं तो ऐसा नहीं होता। फिर दूसरी बार भी सुत गोस्वामी जी के द्वारा ये श्रीमद भागवत का प्रवचन कराया, और तीसरी बार स्वयं सनत सनंदन सनत कुमार नारद जी को श्रीमद भागवत को सुनाने के लिए भक्ति देवी को फिर से नव युवती और उनके बेटों ज्ञान बैराग को युवक बनाने के लिए श्रीमद भागवत का प्रवचन कराया। इस प्रकार से श्रीमद भागवत जगत में प्रचार हुआ, और लोग समझे ये प्रेम क्या चीज है, अन्यथा ये समझ में नहीं आता। इसलिए कृष्ण ने ऐसा करके असुरों का ध्वंस करके सचमुच में ही धर्म की प्रतिष्ठा की। एक तो लौकिक धर्म की, दूसरी बात और कौन सी, ये प्रेम धर्म आत्म धर्म की। वंशा से जीर्णानी यथा विहाय नमा निगृहणाति नरो प्राणी नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नन दहत पावक इत्यादि देकर के सर्वधर्मानुपत्यज्या मामेकं शरणं, ये धर्म की प्रतिष्ठा। और इसके बाद में निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संजितम, ये भक्ति रस को उनके द्वारा प्रचार किया, ये धर्म की प्रतिष्ठा है। यदि कृष्ण नहीं आते तो ये सब संभव नहीं था। इसलिए आज हम लोग श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय से हम लोग अभी भागवत का पारायण आरंभ करेंगे। श्रीमान भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी पहले आरंभ करेंगे, पहले दशम स्कंद के प्रथम अध्याय से, और जहां तक हो सकेगा हिंदी में इसका कुछ बतलाएंगे।
हिंदी में व्याख्या थोड़ी थोड़ी, जहां तक हो सके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में एक लिस्ट बना दीजिए, माधव महाराज जी एक लिस्ट बनाए जिसमें ये हैं, और जो हिंदी में बोल सकते हैं रसानंद जी हैं, वो कौन हरिप्रिय जी हैं, बन महाराज हैं, पुंडरीक जी हैं, वो राधिका यही दालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। परम आदरणीय संतों, वैष्णवों, आदरणीय सज्जनों, माताओं, बहनों और बेटियों, आज आनंद कंद कृष्णचंद्र जी का आविर्भाव तिथि है। आज गोक यहीं पर मथुरापुरी में कंस के कारागार में भगवान कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ था, साथ ही में गोकुल में भी उनका जन्म हुआ। संदेह करने की कोई जरूरत नहीं कि मथुरा के कारागार में वहां पर कैसे एक साथ में जन्म हुआ, कोई शंका की बात नहीं है। भगवान एक ही साथ में करोड़ों काम कर सकते हैं, करोड़ों रूपों को धारण कर सकते हैं। मथुरा में उनका जन्म नहीं हुआ, क्या हुआ, प्रकट हुए। जैसे नृसिंह भगवान खंभे से प्रकट हो गए, ऐसे देवकी के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आविर्भूत हुए। जन्मे नहीं, जन्म लेने में और प्रकट होने में बहुत अंतर है। साधारण आदमी इस चीज को नहीं जानते, केवल भक्त लोग ही इसको समझ सकते हैं। जैसे अभी एक बच्चे ने कीर्तन किया, कभी ललिता के संग और कभी विशाखा के संग, कभी गोपों के साथ, कभी गोपियों के संग, कभी रुक्मिणी और सत्यभामा के संग, ये कभी हो सकता है? जिसको ज्ञान नहीं है वो ऐसा कर सकते हैं। ब्रज में श्याम सुंदर के पास में नंद नंदन जी के साथ में रुक्मिणी सत्यभामा नहीं हो सकती, कभी नहीं आ सकती। कभी सुना है जब ब्रज में आई, नहीं आ सकती। उन लोगों को रस का ज्ञान नहीं है, भगवत तत्व का ज्ञान नहीं है, उनकी शक्तियों का ज्ञान नहीं, ऐसा कह देते हैं। बहुत से गड़बड़ करते हैं। अभी भी कीर्तन में बहुत सी बातें हुई, हमने छेड़छाड़ नहीं की, क्यों कि वो तत्व को नहीं जानते हैं। इसलिए देवकी गर्भ में आए बात ठीक है, किंतु पूर्ण रूप में नहीं, आंशिक रूप में। और उसी समय में आधी रात को गोकुल में जशोदा के गर्भ से परिपूर्ण रूप में 16 कालाओं से अवतीर्ण हुए। उनके साथ में अकेले वो नहीं, उनके साथ में जोग माया भी प्रकटित हुई, जो कंस के कारागार में जब आई, वसुदेव जी ले आई, और उसको जब कंस पटकना चाहा तो आकाश मार्ग में उड़ गई। बोली, ये तेरा वध करने वाला कहीं अनत्र प्रकट हो गया, और वहां से उड़ गई अष्टभुजा दुर्गा के रूप में। जो ब्रजेंद्रनंदन जो वृंदावन में रहने वाले हैं, वृंदावन को छोड़कर के कभी नहीं जाते, वे चतुर्भुज मूर्ति नहीं धारण करेंगे, उनके हाथों में सब समय बंसी रहेगी, मोर मुकुट रहेगा, वो अपने को नंदनंदन यशोदानंदन कहेंगे, देवकी नंदन नहीं कह सकते। द्वारका में मथुरा में बंसी उनके हाथों में नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि यहां पर बंसी के साथ में नहीं रहे, मैं समझता हूं कि जब गोकुल में जन्म लिया शायद बंसी भी उन्हीं के साथ में जन्म लिया होगा, बिना एक बंसी के वह रह नहीं सकते हैं। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। कृष्ण लिए कृष्ण ने अवतार लिया, इस चीज को समझिए। आपकी मथुरापुरी में ही धर्म की हानि हो रही थी। जदा जदा ही धर्मस्य ग्ला निर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सिजम्यहम् परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुग में आते हैं। किस लिए? जब दैत्य दानव बढ़ जाते हैं, जबकि धर्म की हानि हो लगती है, जब कंस अपने पिताजी को उग्रसेन को कैद करके रख दिया, जब द्रौपदी की भीष्म सभा में उनके देवरों ने और उनके जेठों ने उनको निर्वस्त्र करके लज्जा ले लेनी चाहिए, दुर्योधन अपने जंघ पर बैठाना चाहता है, दुर्शासन उनका चीर हरण कर रहा है, शकुनी कर्णई इत्यादि सब दांत बाहर करके हंस रहे हैं, ये कोई धर्म है? जिस समय में, जिसके राज्य में, जिसके सरकार में माता पिता का आदर नहीं होता, जिस समाज में स्त्रियों का आदर नहीं होता, जिस समाज में गुरु का आदर नहीं होता, वो समाज टिक नहीं सकता। जिस समाज ने अपनी मां को, बहन को, बेटी को सम्मान देना नहीं सीखा, वो समाज रसातल में जाएगा। ये सब धर्म की हानि है। कृष्ण के आने के पहले आप लोगों देखते हैं कैसी दशा थी। द्रौपदी जैसी एक ही नारी नहीं, लाखों नारियों की लज्जा जा रही, माता पिता को कैद कर रहे हैं। महाभारत में देखिए, धृतराष्ट्र अंधा, उसका पुत्र अंधा, और कैसे को कर रहे हैं। ये सब असुर दैत्य दानव हैं जो राम के युद्ध में मारे गए रावण के, वो सब क्षत्रिय बन करके आए। वो सब जब तक रहेंगे धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इसलिए कृष्ण ने, चंद्र ने क्या किया? असुरों का संहार किया। जब तक असुर रहेंगे आत्मधर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी। ये समझो, हम लोग यहां नहीं हैं, हमारा जन्म यहां नहीं है, हम यहां के निवासी नहीं हैं, हम गोलोक वृंदावन धाम के रहने वाले सभी हैं। हम लोग अपने कृष्ण को भूल जाने से इस जगत में आए हैं और शरीर को समझ लिया है कि मैं आत्मा हूं। यह शरीर हाड़ मांस रक्त इत्यादि है। क्या है शरीर में? कभी भी पवित्र स्नान करने से नहीं हो सकता, इसमें रक्त भरा पड़ा है, टट्टी भरी पड़ी है, पेशाब भरा पड़ा है, मलमूत्र भरा पड़ा है, कृमि कीट इसमें भरे पड़े हैं। आत्मा इससे निराली है, परमात्मा उससे निराले हैं। इस चीज को आदमी जब भूल जाता है तो दैत्य दानवों का समाज बन जाता है, धर्म की हानि हो लगती है। इसलिए कृष्ण चंद्र जी प्रकट हुए और इस धर्म को गीता में उन्होंने बतलाया, नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक नैनं क्लेदे अन्त्यापो न शोषयति मार्ग। आत्मा अजर अमर है। अपने कृष्ण को भूलने से यह शरीर में आ गया। हम समझते हैं कि बड़ी सुंदरी हम नारी हैं, हम बड़े सुंदर पुरुष हैं, हम देश के राष्ट्रपति हैं, हम देश के कर्णधार हैं, हम ये हैं। इसका कोई भी मूल्य नहीं। एक दिन के अंदर में कब हम मर जाएंगे कोई ठीक नहीं। जब तक जीवित हैं ये बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान ने हमको इसलिए जन्म दिया, जन्म लेने के बाद मां का स्मरण करूंगा, भजन करूंगा। भगवान ने शरीर दिया किंतु हम नहीं करते तो क्या होगा? फिर हम सुअर गधे कुत्ते बनेंगे। इस चीज को समझ रखिए। इसलिए जन्मते ही सबसे पहले पूतना को मारा। पूतना माने क्या? पूतना पवित्र जो नहीं है। आजकल देखिए रसोई घर में वो बूट जूते और सब जा रहे हैं। हमारे भारतवासियों के घर में मांस मछली प्याज लहसुन ये सब नहीं जाता था। विशेष करके ब्राह्मण वैश्य क्षत्रियों के घर में ये सब चीजें नहीं जाती थी। जूते घरों में रसोई में नहीं जाते थे। उनका हृदय पवित्र होता था। आजकल देखिए संसार में पवित्रता न होने के कारण सबका हृदय दूषित। सबसे बड़ा वातावरण को नष्ट करने वाला हृदय है। आज हृदय शुद्ध नहीं, आज हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, वातावरण शुद्ध नहीं, हृदय शुद्ध नहीं, कैसे हम लोगों को सुख और शांति हो सकती है? कृष्ण ने इस चीज को मार्क किया।
और सबसे पहले पूतना जो अपवित्रता है उसको दंस किया। तत्पश्चात क्या किया? कपटता की मूर्ति, अज्ञानता की मूर्ति धेनुकासुर, धेनुकासुर को यहीं पर मारा। किस लिए? धेनुका माने, धेनुका माने होता है गधे। गधे को अज्ञान का मूर्ति कहा जाता है। जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर को ही सर्वस्व समझ रहे हैं, वो गधे हैं। पशुओं में सबसे बड़े गधे, सुअर कुकर से भी गए बीते। इस चीज को समझेंगे। यदि भजन नहीं किया, आज जो कृष्ण जन्मे हैं वो क्या है? धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, पशु हैं। इसलिए कृष्ण ने धेनुकासुर को मारा, अघासुर को मारा। अघ माने क्या? पाप। हमारे हृदय में देखिए, खोजिए, भाई भाई के प्रति पाप, पिता के प्रति पाप, माता के प्रति पाप। आज देखिए, यहां की तो बात में तो सारा भारतवर्ष अब तक शायद 8 बार पृथ्वी का चक्कर लगा लिया, और देश विदेश में ऐसा कोई भी देश नहीं है, सभ्य से लेकर के असभ्य तक, जहां मैं नहीं गया। और सब जगह हमारा आदर करते हैं, भारतीय संस्कृति के विचारों को सुनना चाहते हैं। लाखों लोग उपवीत लेकर के, चोटी रख करके, गले में तुलसी माला रख करके अब भजन करने लगे हैं। वहां देखा क्या? निराली बात। भारतवर्ष में भी वहां की हवा आ रही है। आज शादी की, दूसरे दिन तलाक। यदि किसी का 100 से अधिक तलाक हो गया तो क्या एक है ना? रिकॉर्ड बुक में उनका नाम हो गया, इसने 100 अपने पतियों को या अपने पति को या स्त्री को बदल दिया। किसी का बाप बेटा का ठीक नहीं है, किसका बेटा किसका क्या? उस घर में शांति रह सकती है? आज वहां की भी हवा आ रही है, लड़कियां अपने केसों को कटा रही हैं, और लड़के क्या कर रहे हैं? वो भी एडियल रखे हुए चारों तरफ में लड़की बन रहे हैं, और लड़कियां पुरुष बन रहे हैं। कृष्ण चंद्र जी ने धेनुकासुर का, अघासुर का, इसीलिए उन्होंने संहार किया। इसलिए आप लोग इन सब चीजों से बचेंगे, भारतीय वैदिक संस्कृति को अपनाएंगे। इसके बाद उन्होंने क्या किया? कंस चारुण को यहीं पर मथुरा में मारा, और मार करके पिताजी का उद्धार किया। कृष्ण ने क्या किया? उसके पिता को ही, उग्रसेन को ही राजगद्दी दी। अपने लिया? अपने नहीं लिया। महाभारत के युद्ध में जितने दैत्य दानव थे, करोड़ों लोगों का संहार किया। यदि करोड़ों लोगों का संहार हुआ तो ये धर्म कहां, धर्म की प्रतिष्ठा कैसे हुई? लाखों स्त्रियां विधवा हो गईं। वहां का बाण का धनुर्वेद सब खत्म हो गया, बड़ी बड़ी विद्याएं सब समाप्त हो गई, तो धर्म की प्रतिष्ठा कहां हुई? नहीं हुई। कैसे? जितने भी असुर थे उनका ध्वंस वहां पर महाभारत ने कराया। जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं, भगवत भक्ति का ज्ञान नहीं, प्रेम का ज्ञान नहीं, उनको ध्वंस करा करके, और तत्पश्चात द्वारकापुरी में, वहां पर भी पौंडिक वासुदेव, जौनासुर, कालजवन, जरासंध, ये सबको मारा या मरवाया। शांति देश में आई। स्त्रियां जो रही परम भक्त, द्रौपदी जैसी नारियां, कुंती जैसी नारियां, यहां तक कि गंधारी भी परम उच्च कोटि की भक्त थी, ऐसे ऐसी नारियां रह गई। उस समय में कृष्ण के उपदेश का पालन किया गया, और उसके बाद ही में सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाया। भागवत में क्या है? कृष्ण का लीला चरित्र, प्रारंभ से, जन्म से लेकर के अंत तक उनकी लीलाएं हैं। उसमें देखो, निगम कल्पतरुर्गलितंग फलम सुखमुखाद अमृत दर्शन युतम पियोत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भूल। भागवत का क्या संदेश है? भागवत के संदेश को देखिए, जहां गीता पर समाप्त हो जाती है वहां से भागवत आरंभ होता है। धर्म, धर्म की पहली पुस्तक है गीता, और पीएचडी डीलीट की पुस्तक, पोस्ट ग्रेजुएट की ये पुस्तक है श्रीमद् भागवत। भागवत में केवल प्रेम की बात है। प्रेम कैसा करना चाहिए?
समय हो गया इसलिए संक्षेप में मैं केवल बतला रहा हूं प्रेम कैसा होना चाहिए। ब्रजवासियों जैसा प्रेम हनुमान का राम पर प्रेम है। हनुमान के लिए हनुमान जी रामचंद्र जी के लिए सर्वस्व त्याग करते हैं। रावण में के लंका में आग लगा दी यदि सीता को कोई चुरा लिया ठीक है दिन रात उनकी सेवा करते हैं किंतु राम का आलिंगन कर सकते हैं कोई झूठी चीज उनको दे सकते हैं एक पलंग पर बैठ सकते हैं ये संभव पर नहीं। ये पांडवों के लिए संभव है। अर्जुन को अपनी बहन की शादी कर दी सुभद्रा की ने? परस्पर वो बन गए भाई जैसे साला और बहनों ही बन गए। और कृष्ण भगवान होते ही सर्वेश्वर अर्जुन का रथ हांक रहे हैं हनुमान जी को भी उनकी सेवा में लगा दिया और उनके घोड़े को धोते हैं उनके परिवार को अपना सर्वस्व समझते हैं किंतु कृष्ण का भी स्वरूप देख करके हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हमने आपको सखा कहा है मैंने गलती की आप मुझे क्षमा करें अब सखा नहीं कहूंगा। दूसरी तरफ में देखिए ब्रजवासियों का कृष्ण सो रहे हैं गोचारण का समय हो गया और सिदाम सुदाम वसुदाम स्तो कृष्ण लवंग अर्जुन उज्जवल क्या करते हैं सुबल कृष्ण के पलंग पर चढ़ जाएंगे। अरे सारे अभी सो रहा राम का कोई सेवक ऐसा कह सकता है जदवंशी कह सकते हैं ये सखाओं का अधिकार है। अपनी जूठी खाते हैं देखा जो बहुत सुंदर मीठी चीज है कृष्ण के मुख में दे दे और कृष्ण के मुख से निकाल करके खुद खा लेते हैं उनका आलिंगन करते हैं और उनको साथ में खेलते हैं उससे देखो बड़ी बात कृष्ण सब भगवान है ये बात ठीक है सर्वशक्तिमान है। जरा शांत रहो अभी कृष्ण सर्वेश्वर हैं समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं अघटन घटन प्रतिशी शक्ति वाले हैं ठीक है किंतु जसोदा मैया क्या करते हैं उनके कान उमेट देती है। कृष्ण रोते हैं लठिया हाथ में लेकर के कहती अब तू ऐसी बदमाशी करेगा कान पकड़ो कौशल्या मां कर सकती है ना कौन कर सकता है ये लोग नहीं कर सकते। जसोदा मैया से परब्रह्म को अपने घर में वो ओखल से बांध देती हैं ये उन्हीं के लिए संभव है इतना उनके ऊपर में प्यार है। और आगे बढ़िया तो देखिए बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणुम अभिक्षणसा जासां हरि कथोद्गीत पुनादि भुवनत्रयम्। गोपियां कैसी हैं कृष्ण ये भगवान होने पर भी गोपियों के आगे हाथ जोड़ते हैं किस लिए न पारे हम निर्वद्य संजुजांग मैं कोटि कोटि आयु वर्ष का जन्म लेकर के भी आयु लेकर के भी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। तुमने हमारे लिए अपने पतियों को छोड़ा अपने भाइयों को छोड़ा अपने परिवार को छोड़ा स्त्रियां सब छोड़ देंगी लोक लज्जा नहीं छोड़ सकती हमने लोक लज्जा भी गोपियों ने छोड़ दिया कुछ बाकी नहीं रखा सबको छोड़ करके। कृष्ण कहते हैं जे मैं ऐसा नहीं कर सकता क्यों कृष्ण किस भक्त को छोड़ेंगे फिर उसके ऋणी बन जाएंगे इसलिए कृष्ण किसी को अपनी मैया को नहीं छोड़ सकते बाप को नहीं छोड़ सकते रुक्मणी सत्यभामा को भी नहीं छोड़ सकते ललिता विशाखा को नहीं छोड़ सकते। इसलिए भाई कृष्ण गोपियों के यहां चिर ऋणी रहते हैं उनका ऋणी नहीं चुका सकते। यदि कृष्ण कहें कि तुम कुछ मांग लो तो गोपियां कहती हैं जी अपनी सेवा दे दो और फिर ऋणी बन जाते हैं इसलिए गोपियों का ऋण नहीं चुकेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत ये प्रेम की संदेश देता है प्रेम का संदेश। वो क्या यदि प्रेम करना है तो कृष्ण गोपियों जैसा प्रेम करो लेन देन वहां पर प्रेम में नहीं है। जिस प्रेम में लेन देन है वो प्रेम प्रेम नहीं। गोपियों का ही एक ऐसा प्रेम है जिसमें लेन देन नहीं। रुक्मिणी सत्यभामा को कुछ है किंतु गोपियों का नहीं सर्वस्व कृष्ण के लिए अर्पण कर देती हैं।
यहाँ तक कि लोक लज्जा भी छोड़ देती हैं। कृष्ण ने कहा अपना वस्त्र हटा दो, हटा दिया ना, ऐसा कौन कर सकता है। इसलिए कृष्ण की विशेषता है। इस तरह से उन्होंने असुरों का संहार करके वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की, आत्म धर्म की प्रतिष्ठा की, प्रेम धर्म की और गोपी प्रेम की प्रतिष्ठा की, जो दूसरों के लिए संभव नहीं है। आप लोग इस मथुरापुरी में रहने वाले हैं, भगवान का भजन करेंगे, गले में तुलसी की माला हो और प्याज लहसुन मांस मछली मत खाएंगे और कृष्ण की विशेषता समझेंगे। जो कृष्ण ये ग्वाल बाल हो करके भी नारायण द्वारकाधीश और सबसे ये बड़े हैं, इन्हीं से सब कुछ तत्व निकलते हैं, कृष्ण से ही। इसलिए आप लोग कृष्ण का भजन करें। कैसे? कलयुग में केवल नाम के आधार पर है, कलयुग केवल नाम आधार, बस यही करना है। प्याज लहसुन मांस मछली को छोड़ करके घर में रहिए, त्यागी बनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस यही करने से होगा। चलते फिरते उठते बैठते छींकते समय फिसलते समय भी यदि अज्ञानता बसता ही, यदि भगवान का नाम कर दिया हरे कृष्ण या कृष्ण राम राधे जो कुछ, आपका कल्याण हो जाएगा। इससे बढ़कर के और कलयुग में कोई धर्म नहीं है। इसलिए आप लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम गौर प्रेमानंदे। एक कृष्णदास, नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय।